मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आई एम ऑल्सो फाइन। टूडे विल सी इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन आंसर ऑन द प्रोज पोएम सेक्शंस ऑफ योर 12th इंग्लिश क्लास। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन टू अंडरस्टैंड एंड वॉच द फुल वीडियो, डोंट स्किप इट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं अंग्रेजी के पोएम खंड के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इसके आंसर को देखेंगे। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर एवर। ओके, हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर एवर। डियर स्टूडेंट्स, हाउ इज थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर एवर, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी खूबसूरत वस्तु हमेशा के लिए सुंदरता की चीज क्यों होती है। ओके, तो इसमें यह बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। जॉन किट्स जो पोएट है, उनके अनुसार ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है, हमेशा के लिए जॉय का, हैप्पीनेस का स्रोत होती है। इट इज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड प्लेजर, और यह हैप्पीनेस और प्लेजर का कॉन्स्टेंट मीन्स निरंतर या सतत या कभी न खत्म होने वाला स्रोत होती है। ओके, इट लवलीनेस इंक्रीजेस एवरी मोमेंट, यह हमेशा हमारे अकेलापन को बढ़ाता है और हमारे अंदर हैप्पीनेस को बढ़ाता है। इट विल नेवर पास इंटू नथिंगनेस, यह हमेशा यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इन अदर वर्ड्स, ए थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर डिवैल्यूड। इसका मतलब हम कहने का मीनिंग यह हुआ कि सुंदरता की जो वस्तु है कभी भी अमूल्यवान नहीं हो सकती है, मतलब इसका मूल्य कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी नेचर में जो सुंदरता की चीज़ें हैं, हमेशा के लिए हमें हैप्पीनेस देने वाली है, हमेशा के लिए हमें जीवन भर या उनके लाइफ टाइम तक मतलब खूबसूरती सुंदरता हमें हैप्पी देने वाली। इसलिए कवि ने कहा है कि थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी व्हाट आर द थिंग्स दैट कॉज मिजरीज सोरोस एंड सफरिंग्स टू मैन। ओके, इसमें यह बोला गया है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मनुष्य को दुख पीड़ा कारण बनता है, मतलब आदमी को कष्टों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, ऐसा कौन सी चीज़ें जो आदमियों को इसका कारण होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ मैन्स हिमसेल्फ इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह बताया गया है कि जो मैन होता है स्वयं ही उसका रूट कारण कॉज होता है। क्यों? वी सफर फ्रॉम मेलिस एंड डिस्ट्रेस बिकॉज वी लैक ह्यूमन क्वालिटीज दैट मेक्स अस इनह्यूमन। क्या होता है कि हम सभी में घृणा, द्वेष, ईर्षा, जलन जैसी अमानवीय इच्छाएं भरी हुई हैं। ओके, जो हमें एक मानव से अमानव बनाते हैं। ओके, आवर लाइफ बिकम्स ग्लूमी, और हमारा जीवन जो है अंधकारमय हो जाता है। ग्लूमी मीन्स क्या होता है? अंधकारमय हो जाता है। वी कल्टिवेट अनहेल्दी एंड एविल्स वेस, ऑल सच थिंग्स ब्रिंग्स मिजरीज एंड सोरो सफरिंग टू मैन्स। ये सभी जो हमारे अनहेल्दी बुरी इच्छाएं, एविल इच्छाएं जो होती हैं, जिसको हम पालते पोसते हैं, जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, ये सभी कारण ही हमें
हमें हमारे दुखों का कारण होते हैं। ओके, अभी तक समझ में आएगा आगे होगा कि हमारे जितने भी एविल इच्छाएं हैं यही हमारे कष्टों का कारण होती है। अंडरस्टैंड, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, सो लेट डोंट मूव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, नेम द ब्यूटीज ऑफ नेचर दैट आर कॉन्टेस्ट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन। इसमें ये पूछा गया है कि नेचर की उन ब्यूटीज़ का नाम बताइए, लिस्ट बताइए, जो हमेशा के लिए हमें हैप्पीनेस देती है, जो हमारे लिए हैप्पीनेस का सोर्स होती है हमेशा के लिए। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं नेचर इज ए स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी। नेचर हमारे लिए खूबसूरती का, सुंदरता का एक स्टोर हाउस होता है। ओके, द ब्यूटीज ऑफ नेचर आर एंडलेस, मतलब प्रकृति की जो सुंदरता है, नेचर की जो सुंदरता है, जो ब्यूटीज है, वो एंडलेस है, हम उसका वर्ड्स में एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, द सन द मून, द सन द मून ओल्ड एंड ग्रीन सराउंडिंग्स, फ्लावर्स, वाटर्स, ट्रीज, यंग ट्रीज, ब्यूटीफुल डैफोडिल्स, फ्लावर्स एंड ग्रीन सराउंडिंग्स आर सम ऑफ सच ब्यूटीफुल थिंग्स। इसमें चांद, तारे, चंद्रमा, पुराने और नए पेड़, फूल, पौधे, हर हरे पौधे, डैफोडिल्स के पीले लहराते फ्लावर्स, ग्रीन वातावरण, ऐसे बहुत सारे जो है ब्यूटीफुल के थिंग्स के उदाहरण हैं, थिंग्स के एग्जाम्पल्स हैं। स्मॉल स्ट्रीम्स विथ क्लियर वाटर, ओके, सुंदर सुंदर झरने, नदी प्रवाह की धाराएं, शीतल जल की धाराएं, थीक मॉस ऑफ फर्न्स, मांस के बड़े बड़े फर्न्स, ओके, थिकेट्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का घनापन, एंड मस्क रोज आर सम अदर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, मतलब ये सारे सभी जो है ब्यूटी का एग्जाम्पल्स हैं। ऑल सच थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन। ये सभी स्रोत जो है हमारे लिए सुंदरता का कारण है, जैसे साफ पानी, छोटा मोटा पौधे, फर्न का मोटा द्रव्यमान, जंगल के घने और कस्तूरी गुलाब की सौंदर्य, अन्य चीज़ें, जंगली वाइल्ड एनिमल्स, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा की हमें खुशी देने वाली हैं। ओके, दे आर थिंग्स दैट आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू मैन। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर फोर। सो डोंट मूव। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, व्हाई एंड हाउ इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विथ द माइटी विथ डेड। इसमें ये बोला गया है कि हाउ इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड, महान मृत के साथ भव्यता क्यों और कैसे जुड़ी है, मतलब जब भी कोई डेड होती है तो उसके साथ महानता शब्द या भव्यता शब्द या आलिशान शब्द जो है क्यों जुड़ा हुआ है। ओके, तो इसमें हम आंसर देखेंगे। ओके, सो द डूम्स डे इज कंसिडर्ड द डे ऑफ जजमेंट। इसमें यह बोला गया है कि जो डूम्स डे में जो कायामत का जो दिन होता है, मतलब जो हमारा अंतिम दिन जो होता है, जो कायामत का जो दिन होता है, ओके, उसको हम न्याय का दिन बोलते हैं, जजमेंट का डे बोलते हैं। ओके, कौन सा डे बोलते हैं? जजमेंट का डे बोलते हैं, न्याय का डे बोलते हैं। व्हेन द डेड विल रिसीव व्हाट इज ड्यू टू देम, मतलब जब मृतकों को उसके कारण का फल मिलेगा। ओके, आवर माइटी डेड फोर फादर्स अर्नड नेम एंड फेम विथ देयर नोबल डीड्स, मतलब हमारे जो महान आत्माएं हैं, जो हमारे महान पूर्वज हैं, जो हमारे
दादा परदादा हैं जिन्होंने अपने कर्मों के कारण महानता को प्राप्त किए, मतलब नाम और प्रसिद्धि को प्राप्त किए। ओके, उसी प्रकार से उनके जो मतलब मृत्यु हुए हैं, ओके, इट होप्ड दैट दे विल बी रिवार्डेड विद अ रेयर मैग्निफिसेंस एंड ग्रैंडियर। और उनके जो मृत्यु है, आशा की जाती है कि उन्हें दुर्लभ वैभव और वैभव से पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि माइटी डेड डेड को जो ग्रैंडियर शब्द या माइटी डेड कहा गया है। अंडरस्टैंड, आशा करता हूँ यू विल अंडरस्टूड द क्वेश्चन आंसर नंबर 4। ओके, सो विल सी क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दीजिए। व्हाट इज द मैसेज फॉर द थीम ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब ये थिंग ऑफ ब्यूटी के लिए यहाँ पर क्या संदेश है, क्या संदेश यहाँ पर मतलब मैसेज कहा गया है। ओके, सो विल सी द क्वेश्चंस। ओके, द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ओके, गिव्स ए मैसेज दैट ब्यूटी नेवर डायमेंसिस ऑफ फेड्स, मतलब इसमें यह बोला गया है कि ये द थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएम है, सुंदरता कभी किसी कभी भी इसकी फीकी नहीं पड़ेगी, मतलब डीम कभी नहीं होगी, इसकी जो सुंदरता है कभी भी फीका नहीं पड़ेगा, कभी भी डीम नहीं होगा। ओके, वी कैन चूज टू सी ब्यूटी इन द मोस्ट सिंपल एंड कॉमन थिंग्स अराउंड अस, हम हमारे चारों तरफ की आसपास की जितने भी सराउंडिंग्स हैं उसमें हम सामान्य चीज़ों को देखकर उसमें से हम सुंदरता को चुन सकते हैं। जो भी मोस्ट सिंपल चीज़ें हैं, जो भी मोस्ट कॉमन चीज़ें हैं, वहाँ हम देखकर सुंदरता को पा सकते हैं, सुंदरता को जज कर सकते हैं। बट दिस ब्यूटी बिकम्स ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर अस, और ये जो ब्यूटी है हमारे लिए कभी न समाप्त होने वाले जॉय बनेगा, कभी न समाप्त होने वाले हैप्पीनेस बनेगा। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आवर लाइफ्स आर फुल ऑफ सोरो एंड सफरिंग्स, द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस गिव अस द स्ट्रेंथ टू एंड्योर द सैडनेस ऑफ लाइफ, बशर्ते कि हमारा जो लाइफ हो, ओके, जो हमारे कष्टों से सोरों से भरा हुआ हो, तभी हम इन ब्यूटी थिंग्स से हम कभी न ख़त्म होने वाले हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं और अपने लाइफ को शक्ति सामर्थ और जॉय से भर सकते हैं और हमारे जो सैडनेस है उनको हम खत्म कर सकते हैं। ओके, द डिस्पेल द डार्क क्लाउड ऑफ सोरो एंड गिव अस ए रीजन टू कीप लिविंग, और ये हैं ये इनके कारण से हमारे जितने भी दुख के जो बादल होते हैं वो हमेशा के लिए छट जाएंगे और हमेशा के लिए हम जो है अपने जीवन को जीने का कारण पा जाएंगे और हमें आगे जीने का सहारा, हैप्पीनेस का स्रोत और सामर्थ्य हमको मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि थिंग ऑफ ब्यूटी का स्रोत का साधन क्यों है। ओके, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो विल सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर द ऑडियल्स, ओके, आन जेनिफर इज सराउंडेड बाई व्हाट इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंजेट, व्हाट आर द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द रिंग्स ऑफ इन द पोएम। डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह बोला गया है कि चाची जेनिफर किस परीक्षा से घिरी हुई है, ओके, किस एग्जाम से घिरी हुई है, ओके, और यह महत्वपूर्ण क्यों है कि कवि रिंग शब्द का प्रयोग करता है और कविता में रिंग के विभिन्न अर्थों को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ओके, सो विल सी क्वेश्चंस इन डिटेल, सी द क्वेश्चंस। ओके, द ऑडियंस ऑन जेनिफर इज सराउंडेड बाई अवर दोज व्हिच सी हैड टू गो थ्रू बिकॉज ऑफ द डोमिनेंट्स नेचर ऑफ हर हस्बैंड्स। इसमें यह बोला गया है कि आन जेनिफर हमेशा के लिए
उनके जो पति हैं जो कि बहुत ही हार्ड किस्म के हैं, जो कि दबंग स्वभाव के हैं, उनके इस रवैये के कारण परीक्षाओं से घिरी हुई है। उनके पति के डोमिनेंट नेचर के कारण, उनके पति के सख्त रवैये के कारण, सख्त एटीट्यूड के कारण, उनके स्वभाव के कारण जो है वो एग्जाम से मतलब परीक्षाओं से घिरी हुई है। दोज आर द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस सी हैड वेयर हर फ्रीडम वाज टेकन अवे। इन्हीं कारणों से, इन्हीं अप्रिय कारणों से, इन्हीं अनप्लीजेंट कारणों से उनकी जो आज़ादी है, जेनिफर की जो फ्रीडम है वो छीन ली गई है। क्या कर ली गई है? छीन ली गई है। ओके, और छीन ली गई है। द वर्ड रिंगेज इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट्स शोज टू रिलेटेड एट आयरोनिक मीनिंग्स। यहाँ पर रिंगेज शब्द का यहाँ पर दो प्रकार के मीनिंग बताया गया है, ठीक है, जो कि आयरोनिक है, जो कि संकेत करता है, इंगित करता है। वन मीनिंग ऑफ रिंगेज रिफर्स टू द एक्चुअल वेडिंग रिंग टू हर फिंगर। यहाँ पर पहला जो उनकी शादी को, उनके विवाह को एक्सप्रेस करता है, ठीक है, उंगली वास्तविक शादी को, अंगूठी को संदर्भित करता है। ओके, जो चाची जेनिफर उनके प्रति पति के बीच के विवाह को, बंधन को दर्शाता है। वही सोच द बॉन्ड ऑफ मैरिज बिटवीन ऑन जेनिफर एंड हस्बैंड। जो उनकी शादी को, उनके पति और उनके बीच जो भी बॉन्ड है, जो भी उनका शादी है, उनको संदर्भ करता है। ओके, नाउ द अनदर मीनिंग्स ऑफ द रिंजेट इज सर्कल्ड और ट्रेप्ड विच सोस अस ऑन जेनिफर इज ट्रेप्ड इज एन अनइक्वल मैरिज वेयर फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम हर। और सेकेंड मीनिंग्स यहाँ पर यह बताया गया है, रिंग्स के मतलब रिंग के अंदर, ट्रेप्ड मतलब फंसा हुआ, जिस प्रकार से शेर के पिंजरे के अंदर शेर फंसा हुआ होता है, बाहर निकल नहीं पाता है, उसी प्रकार से आन जेनिफर भी एक पिंजरे में कैद है, मतलब उसकी सारी फ्रीडम, सारी स्वतंत्रता छीन ली गई है। ओके, यहाँ पर दोनों रिंजेट का मीनिंग्स यहाँ पर यह बताया गया है। होप, आशा करता हूँ ये भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ विल सी अनदर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7th। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7th इज हाउ डू डेनिजेंस एंड सिवाल्डिक एड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। इसमें ये बोला गया है कि बाघों के रवैये के बारे में हमारी समझ में डेनिजन और शिष्टता कैसे जुड़े हुए हैं। ओके, सो विल क्वेश्चन इन डिटेल। ओके, द पोएट टेल्स अस दैट टाइगर्स आर डेनिजेंस ऑफ द ग्रीन। इसमें यह बोला गया है कि जो टाइगर्स होते हैं, जो बाघ होते हैं, हरे रंग के निवासी होते हैं, जंगलों के निवासी होते हैं, फॉरेस्ट के निवासी होते हैं। ओके, इट मीन्स दे लिव इन द फॉरेस्ट अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स, मतलब ये जंगलों के निवासी हैं और मानवीय परिवेश से दूर रहते हैं। ओके, द पोएट आल्सो मेंशन दैट टाइगर्स मूव इन एलिगेंट सिवाल्डिक वे। लेकिन जो यहाँ पर उल्लेख किया, कवि ने यहाँ पर उल्लेख किया कि बाघ शिष्टापूर्ण ढंग से चलते हैं, टाइगर जो होते हैं शिष्टापूर्ण तरीके से चलते हैं। दिस शोज द मजेस्टिक एंड ऑनरेबल पोजिशंस दैट दे ऑक्यूपाई इन द वाइल्ड एमंग ऑल एनिमल्स। इसमें ये सभी जानवरों के बीच जो है जंगली जानवरों में राजसी और सम्मानजनक स्थिति को ये दर्शाता है। ओके, राजसी और सम्मानजनक स्थिति को दर्शाता है, इंगित करता है। दे आर प्राउड एंड फियरलेस क्रिएचर्स, इन निर्भीक और गर्वशाली और फियरलेस क्रिएचर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इन दिस वे डेनिजेंस एंड सिवाल्डिक्स एड टू एक्योर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। इसी प्रकार से
गौरव और निर प्राणी हैं। इस तरह निवासी और शिष्टाचार बाघों के लिए व्यवहार के बारे में हमको समझ को ये बढ़ाते। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन आंसर एंड नाउ विल सी अनदर क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज, डू यू सिंपथाइज विथ आंट जेनिफर? व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? इसमें यह बोला गया है, क्या आपको आंट जेनिफर से सहानुभूति है, हमदर्दी है? ओके, और आंट जेनिफर के प्रति स्पीकर का क्या रवैया है, इसके बारे में आपको बताना है। ओके, सो विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज, यस आई सिंपथाइज विथ आंट जेनिफर हर पेडिसमेंट। ओके, इज सिमिलर टू दैट ऑफ मैनी वुमेन्स अराउंड द वर्ल्ड हु आर ऑपरेस्ड बाई द मैन इन देयर होम्स। यस, आन जेनिफर किस रवैये से उनके प्रति हमको हमदर्दी है, क्योंकि उनकी दुर्दशा दुनिया भर के कई महिलाओं के पास है, जो अपने पुरुषों के द्वारा, अपने पतियों के द्वारा जो है उत्पीड़ित हैं, मतलब उनसे टॉर्चर्ड हैं उनके रवैये के कारण। ओके, द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आन जेनिफर आल्सो सीम्स टू बी सिंपैथिक एज सी हैज ट्राइड टू अंडरस्टैंड द हार्डशिप्स सी हैज बीन थ्रू। इसमें यह बोला गया है कि आन जेनिफर के प्रति वक्ता का रवैया भी सहानुभूतिपूर्वक है, क्योंकि उसने उन कठिनाइयों को समझने की कोशिश की है जिनसे वह गुजर रही है। ओके, जिनसे उन आन जेनिफर जो है गुजर रही है। ओके, द स्पीकर करेक्टली आइडेंटिफाई द सिम्बोलिज्म बिहाइंड टाइगर्स एम्ब्रॉयडर्ड बाई आंट जेनिफर। इसमें यह बोला गया है कि जो लेखक है, जो स्पीकर है, वो भी उसने सही तरीके से आंट जेनिफर द्वारा कढ़ाई किए गए बाघों के पीछे उनके प्रतीकवाद को, उनके सिम्बोलाइज को जो है स्पीकर सही ढंग से पहचानता है। ओके, द स्पीकर्स नोज दैट While Aunt Jennifer can never be free from the shackles that bind her, her tigers will always roam free and walking. इसमें एक ये बोला गया है कि भले ही Aunt Jennifer अपने पति के चंगुल से फ्री न हो पाए, लेकिन उसके जो टाइगर्स हैं, उनके जो एम्ब्रॉयडरी के जो टाइगर्स हैं, हमेशा मुक्त रहेंगे, फ्री रहेंगे और घूमते रहेंगे, और अपने गर्विले ढंग से घूमते रहेंगे। आई होप दिस क्वेश्चन आल्सो यू हैव अंडरस्टूड। नाउ विल सी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। ओके, क्वेश्चन नंबर 9th आर, हाउ आर आंट जेनिफर टाइगर्स डिफरेंट फ्रॉम हर आंट जेनिफर्स टाइगर्स? ओके, सो यहाँ चाची जेनिफर के बाघ उनसे कैसे भिन्न है, मतलब यहाँ पर हमको डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, सो इन सी आंसर, आंट जेनिफर टाइगर्स आर प्राउड, फ्री, डाउटलेस एंड श्योर ऑफ देमसेल्व्स। आंट जेनिफर को टाइगर हैं वो गर्वित हैं, प्राउडी हैं, स्वतंत्र हैं, निडर हैं और अपने बारे में निश्चित हैं। ओके, अनलाइक देम आंट जेनिफर इज टेरिफाइड, वीक, अनश्योर ऑफ हरसेल्फ। जबकि आंट जेनिफर जो है कमज़ोर है, डरी हुई है, अपने बारे में अनिश्चित है, मतलब अपने बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती है। सी इज बर्डेंड बाई हर मैरिड लाइफ, अपने उनको जो वैवाहिक जीवन है उनके लिए बोझ बन चुका है। क्या बन चुका है? बोझ बना हुआ है और उस बोझ के तले हुए दबी हुई है। एंड हर लाइफ और हर ऑन टर्म्स इज ए फार फेस्ट ड्रीम ऑफ हर। ओके, और उनके तले वो दबी हुई है। इन दिज वेज सी इज डिफरेंट फ्रॉम द टाइगर्स, इसी कारण से उन बाघों से एटीट्यूड से वो अलग है। ओके, आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन लास्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th,
हाउ विल आन जेनिफर्स हैंड्स लुक व्हेन शी इज डेड, आन जेनिफर के मरने पर उसके हाथ कैसे दिखाई देंगे, इसमें यहाँ पर पूछा गया है। ओके, सो विल सी क्वेश्चन आंसर डिटेल। द पोएट यूजेस आन जेनिफर्स हैंड्स एज ए साइनेकोडजी टू मेन आन जेनिफर्स हरसेल्फ, सी सेड दैट इवन आफ्टर आन जेनिफर्स इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स वुड बी रिंजेस विथ ऑडियंस। इसमें यह बोला गया है कि कवि उनके हाथों को एक पर्यावाची के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ओके, जिसका मतलब है कि खुद आन जेनिफर कहती है कि वह मरने के बाद भी उनके हाथ भयग्रस्त रहेंगे, उनके मन भयग्रस्त रहेंगे, भयभीत रहेंगे और हमेशा परीक्षाओं से, हमेशा एग्जाम से भरे रहेंगे। ओके, भरे रहेंगे। दिस मीन्स दैट सी वुड नेवर बी फ्री फ्रॉम फियर एंड ऑपरेशन सी फेसेस एट द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड। मतलब मरने के बाद भी उनके हाथों में वो अंगूठी रहेगी, वो एग्जाम्स रहेंगे, वो डर रहेगा। हर मैरिज रिंग विल ऑन हर फिंगर वुड ए सिंबल फॉर ऑल सफरिंग्स एंड हाउ सी इज ट्रेप्ड इन ए सिचुएशन सी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम। और कभी भी अपने पति के द्वारा सताए गए कर्मों से कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकती है, मरने के बाद भी वो उसमें कायम रहेगी। इस प्रकार से आन जेनिफर के संकेत जो है ये हमको बताते हैं। डे स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आंसर वेरी वेल। ओके, यदि आप चाहते हैं कि मेरा अगला वीडियो भी आप पाना चाहते हैं जो मैं राइटिंग्स पर बनाने वाला हूँ, ओके, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे और कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या चाहिए, मैं उस पर आपको वीडियो बना के आपके आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप कौन से चैप्टर पर आपको तकलीफ़ है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मैं वीडियो बना कर डालूँगा। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।